मिस्टर नैनी शायर, प्लीज आंसर अस, प्लीज आंसर अस। अरे सवाल तो पूछो। आपकी सक्सेस का राज क्या है, सब जानना चाहते हैं, प्लीज बताओ। हाँ एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको, ये चड्डी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोफेशनल इंटरव्यू है, प्लीज प्लीज। सॉरी। क्या सवाल था आपका? आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, दुनिया जानना चाहती है, सबको जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए, मेरे सक्सेस का या फिर मेरे मोटिवेशन के पीछे राज का? दोनों। तो देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है, एंड दुनिया में अगर आपको 365 डेज 24/7 मोटिवेटेड रहना है तो आपको 23 घंटे काम करना पड़ेगा। काम करो कि नहीं कर रहे हो दोस्त, काम करते रहो। वैसे 24 घंटे करना चाहिए, बट हगना और थोड़ा बहुत खाना तो जरूरी है, ठीक है? तो मेरा जो फंडा है, लोग कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के काम करो, मैं कहता हूँ अरे सोना ही क्यों है, अगर सक्सेसफुल बनना है, अगर मोटिवेटेड रहना है तो 23 घंटे काम करो, एंड ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। अगर ये 3 चीज़ें आपने लाइफ में कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो 3 चीज़ें क्या है सर, प्लीज बताइए। सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, लड़की, सबसे पहले लड़की छोड़ दो। बोले जो कोयल बागों में है, अगर नहीं भी होगी तो पकड़ के छोड़ दो, पर छोड़ दो। मैम 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 रुचिता मैम प्लीज हमें बताइए आपके सक्सेस का राज क्या है, और कैसे आप हर एग्जाम टॉप करते हो और हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हो, प्लीज बताइए रुचिता मैम। देखिए मैं ना बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं 25 घंटे पढ़ाई करती हूँ, मेरा पूरा दिन प्लान रहता है, आज मिनट्स सेकंड्स मिलीसेकंड्स मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। इनफैक्ट मैं तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में भी बुक्स खाती हूँ सो दैट मेरी मेमोरी शार्प हो जाए। मैम पर आप ये बुक तो उल्टी पढ़ रहे हो। उल्टी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, उन्होंने अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा तो भी मैं इससे आंसर कर पाऊंगी। हेलो गाइज, माई नेम इज डॉक्टर नैनीश शाहिर, एंड आज की वीडियो में हम आंसर करने वाले वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट वी हैव बीन आस्क्ड, हाउ डू यू गाइज स्टे मोटिवेटेड। लिटरली हमारे कमेंट सेक्शन में हर बार एक ही सवाल आता है, आप लोगों को मोटिवेशन कहाँ से, आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो? तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हम लोग 365 डेज 24/7 मोटिवेटेड रह सकते हैं, देन दैट इज अ मिथ। कोई भी बंदा पूरा टाइम मोटिवेटेड नहीं रह सकता, एंड जैसा पिछले वाले रेनेश ने बताया, अगर मोटिवेटेड रहना है तो खाना छोड़ दो, लड़की छोड़ दो, सोना छोड़ दो। तो लोगों को लगता है कि जब तक हम लोग कोई भी चीज़ एक्सट्रीम तक नहीं करते तब तक अपने मोटिवेशन है ही नहीं, सो दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग हमारे बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं, जिसके वजह से हम लोगों को लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंसी की वजह से आप कैसी कैसी चीज़ें हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एंड अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसको लगता है कि उसको बहुत सारे माइलस्टोन्स लाइफ में अचीव करने हैं बट वो कर नहीं पा रहा क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं है उसमें, या फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज इज बैक इन 2021 when we started the YouTube channel, 15th August को हम लोगों ने YouTube channel शुरू किया just out of passion and एक curiosity थी कि कुछ तो अलग करना है and try out करना है। जब भी हम लोगों ने start किया तभी दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि हर सैटरडे को vlog डालना है, कुछ भी नहीं सोचा कि subscriber, views ये सब कैसे बढ़ाने हैं, क्या करना है। The main goal was कि हर सैटरडे को वीडियो जाना चाहिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, अभी जब भी चैनल पे 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं एंड इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जब हमने शुरू किया था तब हमने कभी इसका प्रेशर नहीं लिया था कि लोगों को सब्सक्राइबर्स कितने दिखेंगे, कितने व्यूज़ दिखेंगे। हम लोगों को बस उस प्रोसेस में इंटरेस्ट था कि हर सैटरडे को क्या बनाया जाए, कैसे लोगों को एंटरटेन किया जाए और कैसे उस प्रोसेस में हम लोगों को मज़ा आने लगे। सो द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी डिड वॉज बींग कंसिस्टेंट, नो मैटर हम लोगों के पर्सनल लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, कितना भी इंटर्नशिप टॉक्सिक बन गया, हेक्टिक बन गया, हम लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि भाई हर सैटरडे को बोला है तो बोला है, वीडियो जाना चाहिए। एंड द मेन थिंग वॉज, जब हम लोग उस प्रोसेस में थे, जब हम लोग कंसिस्टेंटली हर सैटरडे को वीडियो डाल रहे थे, तभी उस प्रोसेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू की। मतलब अगर हम लोग पहले देखेंगे तभी 100 की यूज़ टू बी लाइक भाई ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं कर सकते तुम, आपके पास बहुत अच्छा रैंक वगैरह चाहिए तभी आप लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। बट द थिंग वॉज जस्ट बींग कंसिस्टेंट एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गेट आस्क्ड द मोस्ट इज हाउ डू यू फील मोटिवेटेड आफ्टर सीइंग योर लो स्कोर्स इन योर एग्जाम्स और योर जीटीज़।
Well, I feel you need to ask yourself why. Why are you scoring low? Well, according to me, there are just two reasons. First, either your concepts are not clear, और सेकेंड यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इनफ. यू नो मैं अपना ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. व्हेन आई यूज टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी ना, व्हेन एवर एनी टफ कॉन्सेप्ट यूज टू कम, आई यूज टू फील लाइक जाने दो ये नहीं पूछेंगे एंड आई यूज टू स्किप इट. बट दिस इज वॉट विल चेंज योर गेम. यू नो मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को समझोगे, उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन यू विल हैव इट क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. एंड आई फील ये मुझे अगर रिग्रेट होता है तो ये आपको नहीं होना चाहिए. So if you're someone who's preparing for NEET UG, there's this app called Philo. This app connects you to an expert tutor live within just 60 seconds. And because this is one-on-one, you learn it at your own pace and understand concepts at your own pace. You can ask unlimited questions till the time you're completely satisfied and your concepts are crystal clear. And the most amazing thing about Philo is once you've learned and found out a tutor that you like, you can mark him or her as your favorite and get all your concepts cleared from that same tutor. Also, if you wish to test your preparation, they have mock tests available. So if you want, you can check their app. The links are given in the description. Do try them out. So coming back to the question, if you're demotivated by looking at your marks na, I will have just one advice for you guys. Just forget about the results yaar, focus on how you can improve. And this is where consistency again comes into picture. Consistently padho yaar, karo kaise nahi aayega, kyun nahi aayega. So you have to answer that kyun. And then you will definitely succeed. Now the last question that people continuously keep asking me is, how do you manage YouTube fitness and content creation? But dosto, iska honest answer ye hai ki maine ab tak kuch bhi figure out nahi kiya hai. मैंने तीनों भी चीज़ें में इतनी ज़्यादा एक्सीलेंस हासिल नहीं की है, बट मेरा एवरीडे काम उसी तरफ होता है कि मैं तीनों चीज़ों पे फोकस कर सकूँ. थोड़ा बहुत तो मैं टाइम फिटनेस पे दूँ, मैक्सिमम टाइम मैं स्टडीज़ पे डिवोट करूँ एंड थोड़ा बहुत मैं टाइम अपने कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करूँ. लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन एक टाइम पास है एंड मेरे और रुजुता के लिए वो एक प्रोडक्टिव चीज़ है जहाँ से हम लोग एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं एंड हम लोगों का वो एक साइड हसल है. अब लोग बोलते हैं कि तुम फिटनेस और स्टडीज़ को कैसे इंटीग्रेट करते हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं दिन में 8 घंटा इसी टेबल पर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी घर में बैठ के मैं कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा मोस्ट ऑफ द डे पूरा एक ही प्लेस पर जा रहा है. मेरा टाइम वहीं पर स्पेंड हो रहा है एंड मेरा मेंटल एग्जर्शन बढ़ते चला जा रहा है. एंड पूरे MBBS में भी मेरा फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुआ था, बट नाउ दैट आई हैव सम टाइम टू स्पेयर फॉर माई सेल्फ, मेरी कोई इंटर्नशिप की ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं होती, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिटनेस में थोड़ा बहुत ध्यान देने लगता हूँ. मैं एवरीडे थोड़ा बहुत टाइम जिम में जाके स्पेंड करूँ ताकि मुझे ये सारा मेंटल फटीग ना आए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई और कॉन्टेंट क्रिएशन की वर्ल्ड से थोड़ा बाहर सरक के खुद पर काम करूँ एंड एवरीडे आई विल गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट आफ्टर गोइंग टू द जिम. बट इवन आफ्टर एडिंग फिटनेस डेली ये सारे रूटीन पे काम करने के बाद भी इतनी लाइफ मोनोटोनस बन जाती है कि कभी कभी लगता है कि प्रोडक्टिविटी हासिल ही नहीं हो रही. तब मोटिवेशन काम को नहीं आता, तब काम को आती है चीज़ कंसिस्टेंसी. बट टू रिमेन कंसिस्टेंट एवरी डे इज़ वेरी डिफिकल्ट. इसलिए हम लोगों ने ट्राई किया कि यार स्ट्रीमिंग ट्राई करके देखते हैं. स्ट्रीमिंग से मे बी अपनी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और कॉन्टेंट क्रिएशन भी अच्छे से हम लोग फोकस कर पाए एंड उसकी वजह से हम लोगों की पढ़ाई में और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. अगर आपको पूरे ईयर कंसिस्टेंट रहना है तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस भी ट्राई करने पड़ेंगे. वेरिएशंस आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की ओर लेके जाएंगे और आपका एफिशिएंसी भी उससे ज्यादा बढ़ेगा. सो टुवर्ड्स द एंड वी हैव 3 टिप्स दैट विल हेल्प यू बिकम कंसिस्टेंट. फर्स्ट, यू नीड टू लर्न हाउ टू कॉन्कर योर डे टुडे इटसेल्फ. सो मेक अ टू-डू लिस्ट. टू-डू लिस्ट्स आर वेरी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी. मतलब वो जो टिक करने की फीलिंग आती है ना, दैट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ एम्पावरमेंट. तो जो भी है ना, कल से आज तुमने बेटर परफॉर्म किया है, दैट विल मेक यू फील कंसिस्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू इन दैट हैबिट बिल्डिंग. नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट जर्नी, एवरीवन कम्स फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स एंड सबकी रेस अलग होती है यार. किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है एंड आपका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है. सो व्हाई टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड स्टार्ट थिंकिंग यार उसने इतना किया, उसको इतने मार्क्स आए, ये सब मत करो. अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपने पाथ पे फोकस करो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 3 इज दैट यू नो देयर इज गोइंग टू बी बैड डेज. तुमको लगेगा यार आज कुछ नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट उस दिन भी थोड़ा तो ट्राई करो, बिकॉज यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अगर तुमने उस दिन को कॉन्कर किया ना, उस दिन तुमने सोचा कि यार आज मैंने थोड़ा तो भी पढ़ा, तो आपकी वो स्ट्रीक ब्रेक नहीं होती एंड आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते हो टूवर्ड्स योर गोल. सो दीज आर द 3 टिप्स दैट विल हेल्प यू इन बींग कंसिस्टेंट एंड प्रॉबेबली यू नो बी सक्सेसफुल एंड गेट वॉट एवर दैट यूर
aiming for and aspiring for. So thank you so much guys इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए and I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा. If you like this video, make sure to hit that like button, share this video and subscribe to our channel अगर किया नहीं हो तो and stay tuned for the upcoming videos and हमें comments में जरूर बताना कि अगर आपने ये tips follow किए हो and आप थोड़े भी consistency के और बड़े हो. Yes, thank you. Bye bye. Bye.